प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी बाहर पेड़ों पौधों की ओर देखो तो हर एक सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे परमात्मा ने अलग अलग पेंटिंग्स बना दी हों। एक तरफ देखो यहाँ खूबसूरती दिखाई देती है, उस तरफ देखो वहाँ खूबसूरती दिखाई देती है। और जब भी इस ओर ध्यान जाता है तो लगता है कि प्रभु ने क्या क्या रचा होगा। अब ये तो हम बाहर के रंगों को देखते हैं, ऐसे रंग जो कि हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं, और अगर ध्यान से सोचें तो ये बाहर में इन आँखों से जो हम देख रहे हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत प्रभु ने वो बनाया है जो हम अंदरूनी आँख से देख सकते हैं। जैसे तालाब में अगर आप देखो तो आप देखेंगे कि जो आसमान है, आसमान का उधर रिफ्लेक्शन दिखेगी, और अगर सूर्य निकला है उसकी भी रिफ्लेक्शन दिखेगी, अगर बादल हैं उसकी भी रिफ्लेक्शन दिख लेगी, लेकिन वो धुंधली होगी। और आसमान की ओर देखेंगे तो वो बड़े साफ साफ दिखाई देंगे। ऐसे ही जो रंग हम बाहर देख रहे हैं, जो हमें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये धुंधले से रंग हैं। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जो प्रभु का शब्द है जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं तो रंग इतने खूबसूरत हैं कि उनका किन्हीं भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसे शब्द किसी भी भाषा में नहीं बने जो कि अंदर की खूबसूरती को बयान कर सकें। बार बार महापुरुष जब भी आए हैं हमें समझाते चले आए हैं कि सारी खूबसूरती हमारे भीतर है, सारा आनंद हमारे अंदर है, और अंदर की दुनिया में जब हम बढ़ने का तरीका पालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है और कितनी मधुर है। इंसान जब भी जीता है तो जो जो उसे पदार्थ मिलते हैं उनका इस्तेमाल करता है ताकि जो उसको करना वो कर पाए। नॉर्थ अमेरिका में बहुत साल पहले, जबकि यहाँ यूरोप से को लोग नहीं आए थे, तो जो लोग यहाँ रहते थे उनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था। जब वो रहते थे तो उस समय उनको जो मेटल्स हैं उनका कुछ वाकफियत नहीं थी। वो जब जीते थे तो उनको ये समझ में आई कि जो पेड़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके ज़रिए ही वो इनको काट के वो आग भी जलाते थे, इनसे घर भी बनाते थे। लेकिन जब हम समझने की कोशिश करें कि इन बड़े बड़े पेड़ों को वो काटते कैसे थे, जब उनके पास कोई कुल्हाड़ी नहीं थी, कोई लोहा नहीं था, तो हिस्ट्री की ओर देखें तो उस समय जो लोग वहाँ रहते थे वो जो पत्थर होते थे उनको एक दूसरों से तोड़कर उनको ऐसे बनाते थे अगर वो नोकीली हो जाएं, उनके एजेस शार्प हों। और फिर दूसरी चीज़ जो उनको समझ में थी वो थी आग, फायर। फायर बहुत साल पहले से इंसान जानता है। और वो क्या करते थे कि जो पेड़ होता था जिसको वो काटना चाहते थे, उसके आसपास उसके जो ट्रंक होती है, जो सबसे निचला हिस्सा है, उसके आसपास आग लगाते थे। और जब वो आग लगाते थे तो वो आग की एक रिंग सी बन जाती थी पेड़ के आसपास, और जो बाहर की लेयर होती थी वो सड़नी शुरू हो जाती थी। तो पत्थर लेके उसको आसानी से वो तोड़ लेते थे क्योंकि वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती थी। और जब एक लेयर टूटती थी वो फिर से आग लगाते थे और दूसरी लेयर ऐसे एक और जो आग से सॉफ्ट हो जाती उसको काटते थे, फिर तीसरी को काटते थे और ऐसे करके पेड़ को गिरा लेते थे। तो हम सब जिन्होंने असलियत को जानना है, हम सब जो खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं, हम सब जो पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं,
हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका जानना है। जो उन अमेरिकन इंडियंस के लिए उस समय या आग होती थी या पत्थर होते थे, हमारे लिए इस समय प्रभु को जानने के लिए हमें भजन अभ्यास करना है। जो भजन अभ्यास करने का तरीका है वो ध्यान टिकाने का तरीका है। तो हमारे लिए अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करना है, और ताकि ध्यान अंदर हो सके उसके लिए शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। तो जो मन को शांत करना है, क्योंकि जैसे ही हम आंख बंद करके बैठेंगे कोई ना कोई विचार आ जाएगा, कल क्या किया, परसों क्या करना है, कि रिश्तेदार को मिलना है, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, बच्चों के स्कूल में क्या करना है, कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता है। ख्याल आया नहीं कि ध्यान उस ख्याल में चला जाएगा। अब ध्यान जब ख्याल में जाएगा तो फिर हम प्रभु की जानकारी पाने के लायक नहीं रहेंगे। तो हमें ख्यालों से दूर होना है, हमें अपनी ज़िंदगी में विचारों को साइड पे करना है, और उनको करने के लिए महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हम सिमरन करें। जो भी हमें विचार आते हैं वो हमारे मन से आते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें, मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, मन तो यही चाहता है हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें। तो मन कोई ना कोई विचार भेज देता है। तो मन की जो ताकत है उसको हम प्रभु की ओर करते हैं, मन को हम प्रभु के नाम का जाप करने के लिए कहते हैं, कि मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करें। अगर ज़बान से करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा, लेकिन जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो विचार हैं वो आएंगे नहीं, क्योंकि मन की पूरी ताकत प्रभु के नाम के जाप में लगी। तो हमारे सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह आने शुरू हो जाएंगे। रोशनी लगेगी, आके जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, रोशनी तरह तरह की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल रंग की, पीला, नीला, हरा, जामनी, और इतनी खूबसूरती हमें अंदर दिखाई देती है कि उसका बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही हम उस ज्योति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर खुशी के फुहारे खिलने शुरू हो जाते हैं, हम शांति से भरपूर होते हैं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसे आनंद की अवस्था कहा गया है, उसमें इंसान पहुंच जाता है और उसे हर एक चीज़ खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। जब प्रभु की नज़दीकी मिलती है तो उससे नज़दीक तो और कुछ है नहीं। तो प्रभु को पाने के लिए हम अंदर की दुनिया में जब कदम बढ़ाते हैं तो ज़रा सा भी उनका अनुभव होता है, उनकी ज्योति और श्रुति जिसे शब्द कहा गया, नाम कहा गया, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो अंदर से हमारी आत्मा को जैसे खुराक मिल गई हो, हमारी आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, जिसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, जैसे ही वो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ती है तो वो हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, और जैसे उसमें तंदुरुस्ती आती है तो वो खुशी से भरपूर हो जाती है, क्योंकि जो वो चाहती है कि मैं पिता परमेश्वर को जानूं, पिता परमेश्वर को पाऊं, वो सिर्फ इस मानव चोले में ही उसके लिए मुमकिन होता है। इस मानव चोले में पिता परमेश्वर ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो कुछ हमें चाहिए पिता परमेश्वर को पाने के लिए, सब हमारे भीतर है, कि सब कुछ घर में बाहर नहीं। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर माया की दुनिया है। जब बाहर की दुनिया में हम ध्यान टिकाते रहेंगे,
और बाहर की दुनिया में सोचेंगे हमें ये खुशी मिल जाए वो खुशी मिल जाए, तो वो सदा सदा का सुख चैन कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ जो है वो टेम्पररी है, थोड़े क्षणों के लिए है, और उसके बाद वो हट जाता है। हमें उसके साथ जुड़ना है जो सदा सदा के लिए है, और वो है पिता परमेश्वर। उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, ये बार 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 वहाँ पर समझा गए हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, उनसे एकमेक हो सकता है। हमें ध्यान उनकी ओर करना है, वही हमारे सच्चे मित्र हैं, वही हमारे मददगार हैं। उनके ज़रिए हमें सब कुछ मिलता है, उन्होंने सारी सृष्टि रची, सब कुछ उनकी देन है, और अगर हम उनको पा लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। मीना बाज़ार की कहानी आप सबने बहुत बार ही सुनी होगी, सत्संगों में कई बार महापुरुषों ने सुनाई है कि एक छोटी सी लड़की थी, एक राजा था जो कि मीना बाज़ार लगाया करता था, कोई भी आकर वहाँ से कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा सकता था। एक छोटी सी लड़की थी, घूम रही थी, कुछ ले नहीं रही थी, तो समय था कि मीना बाज़ार बंद हो, तो राजा ने लड़की से कहा कि कोई ना कोई चीज़ ले लो तुम, अभी जल्दी सब कुछ बंद होने वाला है। तो उसने राजा से पूछा कि ये सब आप का है? तो उसने कहा हाँ मेरा है सब कुछ। तो उसने अपना हाथ उस लड़की ने राजा के सिर पर रख दिया कि मैं आपको चाह रही हूँ। उसे मालूम था, छोटी सी लड़की थी, पर उसको मालूम था कि अगर राजा मिल गए तो सब कुछ मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये घर अच्छा मिल जाए, कार अच्छी मिल जाए, ये ज्वेलरी भी ले लें, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाए, नौकरी भी अच्छी लग जाए, बच्चे भी हो जाएँ, वो पढ़ लिख भी जाएँ, दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सब कुछ प्रभु की देन है। अगर पिता परमेश्वर मिल गए तो सब कुछ खुद खुद मिल गया, सारी सृष्टि उनकी रची हुई है, हर एक चीज़ उनके बहाने में चलती है। तो अगर उनको पाएंगे, उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनसे एकमेक होंगे, तो सब कुछ खुद ब खुद पा लेंगे। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। एक वाक्य है जो कि यूरोप का एल्प्स, वहाँ के बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं बहुत बड़े वहाँ के, और जैसे हिमालय हिंदुस्तान में बहुत बड़े हैं, एल्प्स वहाँ बहुत मशहूर हैं यूरोप में। तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का रहता था, गडरिया था। वो जब भी अपने शीप को चराता था, उसको ये लगता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्रभु से वो प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे कोई दोस्त मिल जाए, मेरा कोई दोस्त बन जाए। तो बड़ी प्रार्थना उसने करी। तो एक दिन जब वो अपने कार्य कर रहा था, तो उसे देखा कि तीन बुज़ुर्ग इंसान उसके पास आए हैं, जिन्हें वाइज ओल्ड मैन कहते हैं। तीनों ने एक एक सुराही अपने हाथ में ली हुई थी। तो पहले ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस सुराही में से पी लोगे तो जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में तुम्हें मिल जाएंगे। दूसरे ने कहा, बेटा अगर तुम मेरी सुराही में से पी लोगे तो जितनी भी पावर तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम किसी को भी जाकर जीत सकते हो और सबसे तुम पावरफुल इंसान बन जाओगे। और तीसरे ने कहा कि अगर तुम मेरी सुराही में से पी लोगे तो जिसे के स्विस हॉर्न कहा जाता है, एक ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ब्लो करो तो बड़ी उसमें से मधुर सी आवाज़ निकलती है, कि तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। तो लड़का सोचना शुरू हो गया, क्योंकि उसे ये बताया गया तुम तीनों में से एक ही में से खाली पी सकते हो पानी। तो सोचना शुरू हो गया कि अगर मैं पहली सुराही में से पीता हूँ तो मुझे धन दौलत मिलेगी, धन दौलत मिल गई तो मैं क्या करूँगा, खाना तो मैंने उतना ही खाना है, कपड़े थोड़े खरीद लूँगा और चीज़ें लूँगा। कहा नहीं नहीं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। उन्हें सोचा अगर मैं दूसरी सुराही में से पीता हूँ पानी तो मुझे पावर मिल जाएगी ज़्यादा, जिसको भी मैं कुछ कहूँगा वो मेरा कहना मानेगा,
तो लगा ये भी नहीं है तो मैं घमंडी हो जाऊँगा, मेरी ईगो और बढ़ जाएगी, हमें बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं। तो उसको लगा कि जो हॉर्न है, जो स्विस हॉर्न जिसे कहा जाता है, इसकी आवाज़ बड़ी मधुर है, चलो मैं इसको बजाया करूँगा, मुझे सुकून मिलेगा। तो उसने तीसरी सुराही में से पानी पिया और उसको वो हॉर्न मिल गया, स्विस हॉर्न मिल गया। जब उसने बजाया तो बड़ी मधुर आवाज़ आई, सिर्फ आवाज़ ही नहीं आई लेकिन आवाज़, क्योंकि आसपास पहाड़ थे बहुत, उनसे जब गूंज के जब टकरा के वापस आई तो लगा कुछ यहाँ से आ रही, कुछ यहाँ से आ रही, तो उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मधुर लगा। और उसके बाद वो जो तीन बुज़ुर्ग आदमी आए हुए थे वो चले गए, लेकिन उसके बाद कई सालों तक जब तक वो जीता रहा वो उस हॉर्न को बजाता था, और जब आवाज़ वापस आती थी तो उसे ऐसे लगता था जैसे पिता परमेश्वर उसके अंग संग हैं, कि उसके मित्र उसके पास हैं, उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। ऐसी ही हालत हमारी है, हम लोग जब इस दुनिया में जीते हैं तो बहुत सी बार हम अपने आप को अकेला पाते हैं। हम सबके पास एक मित्र हैं जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनके शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं, जैसे गुरबानी में है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें हम वाहेगुरु कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, कितने भी नाम से पुकारें, उनसे शब्द उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, और उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। तो प्रभु और शब्द एक ही हैं, ये कई धर्म ग्रंथों में आया। तो प्रभु का शब्द कण कण में समाया, हमारे भीतर चल रहा है। जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हम पिता परमेश्वर के साथ हैं, और जब ये अनुभव होता है कि हम पिता परमेश्वर के साथ हैं तो इंसान खुशी से भरपूर हो जाता है। जिसे ये अनुभव हो जाए वो पिता परमेश्वर के साथ, उसको तकलीफ़ क्या है, उसको तो कोई तकलीफ़ आई नहीं। जब हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, जब भी अपने धर्म स्थान पर जाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें चैन मिलता है, हमें आनंद आता है, हम खुशी से भरपूर होते हैं। क्यों? कोई भी तकलीफ़ होती है हम सोचते हैं वो हट गई, किस लिए? क्योंकि हमें ये लगता है कि प्रभु हमारे अंग संग है, उनकी दया मेरे हम पर है, उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, और हम उनकी प्रोटेक्शन के दायरे में हैं। तो ऐसे ही जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हैं, हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। तो फिर ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती है, इंसान को किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं रहता। जिसे मालूम हो कि प्रभु उसके साथ हैं उसे और किसी चीज़ का डर क्या है। तो हमारे कदम प्रभु की और तेज़ी से बढ़ते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ ज़िंदगी इंसान की हरी भरी हो जाती है। तो प्रभु की जानकारी पाने के लिए हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, उसे हम मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, ध्यान टिकाना कहें, इन्वर्जन कहें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, उल्टा रास्ता कहें, ये सब अलग अलग नाम इस्तेमाल किए गए हैं बताने के लिए कि जो ध्यान है बाहर की दुनिया में जाने के उल्टा करना है, अंदर की ओर करना है। जब ध्यान अंदर की ओर जाएगा तो जिसे सूरत की धारा कहा गया, सेंसरी करंट्स, वो शरीर में नीचे से ऊपर की ओर इकट्ठे होंगे, और जैसे ही वो इकट्ठे होंगे यहाँ शिव नेत्र ये दसवें द्वार तक पहुँचेंगे, और फिर अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो खुशियों से भरपूर है, वो दुनिया जहाँ शांति शांति है, वो दुनिया जहाँ आनंद ही आनंद है। हम सब उस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, और हमें सिर्फ ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। और जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे
कि पिता परमेश्वर की नज़दीकी हमें मिलती चली जाएगी और ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जाएगी।